अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब भी समाजी रवैयों को बदलने की कोशिश की जाती है उसमें यकीनन रेजिस्टेंस होती है। चेंज आप अगर इनफरादी तौर पे लाना चाहें या फिर इज्तिमाई तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, हर जगह आपको रोड ब्लॉक्स नज़र आएंगे, क्योंकि देर इज़ कम्फर्ट इन डूइंग द थिंग्स लाइक वी नो देम। अगर हमें कोई भी तब्दीली लाने की बात करता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है नए तरीक़ों पर, नए तर्ज पर अपने आप को ढालना, और ख़ास तौर पर अगर ये तब्दीली आपकी सोच या आपकी फ़िक्र की हो, आपके प्रस्पेक्टिवस में किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात की जाए। 2018 में जब ट्रांसजेंडर्स बिल पाकिस्तान में पास हुआ और इसके राइज होने के बाद जो बेसिक इंसानी हकूक हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक तरह से रियासत ने, उनको तसत ने उनको तस्लीम किया, उनको यकीनी बनाने का फ़ैसला किया गया, तो ये अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल माना जा रहा था और इसकी सताइश पूरी दुनिया में की गई कि दुनिया की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे मार्जिनलाइज कम्यूनिटी के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस मौजू के ऊपर सियासत की जा रही है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को है। जब से यह बहस चली है कि जी इस बिल का क्या मकसद है, क्या इस इस बिल की वजह से बेरारवी या कुछ ऐसी अकदार हमारे माशरे में सराइयत कर जाएंगी जिससे हमारे माशरे को, हमारे समाज को नुकसान होगा, हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रही है, अपनी लाइफ के लिए थ्रेटन फील कर रही है, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस यानी तशद्दुद उसमें भी ज़्यादती आई है। तो असल मुद्दा क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं और ये रद्दोबदल जो पाकिस्तान के बिल में करने की कोशिश की जा रही है ट्रांसजेंडर्स बिल में, उसके मकासद क्या हैं और अभाम कहां कहां है। हमने ये देखा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में खास तौर पर रीसेंट पास में अगर हम देखें, बहुत सारे लोगों ने तालीम का रास्ता अपनाया, अपने आप को, अपनी स्किल्स को डिवेलप किया और यकीनन वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बन रहे हैं, अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं हु हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट पर्सन to be accepted at the University of Westminster for their PhD program. हमारे साथ मौजूद हैं सारू इमरान। अस्सलाम वालेकुम सारू। सारू, यकीनन ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, आपकी इस काविश पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं दैट यू आर नाउ परसूइंग योर PhD। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये सोसाइटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये मौजू आपने अपनी PhD के लिए क्यों चुना? सो बेसिकली मेरा जो एमफिल था जो मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया, तो उसमें भी मेरा जो टॉपिक था वो था अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स। जी, एंड इसको मैं लिंक करती हूँ कि लाइक आई एम वर्किंग फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिंस 2013 फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस, एंड एज पर माई लाइक 9 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मैंने जो रियलाइज किया कि जो वजह है मेजर ह्यूमन राइट वायलेशंस की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे, बाजीसरा कम्युनिटी पे हो रही है, कि वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपने अब्यूजर्स पे, या फिर इंगेज है रिस्की लाइवलीहुड्स में जैसे फोर्स्ड बैगिंग, प्रोस्टिट्यूशन और नाचना गाना। सही। हमें अगर इस कम्युनिटी को अपने पैरों पे खड़ा करना है तो ये काफ़ी नहीं है कि हम कोविड आए तो उनको राशन दे दें या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ आए, हमें इनको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर इनको अपने पैरों पे खुद खड़ा करना है, ताकि अपने आप के लिए भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, बल्कि कंट्रीब्यूट भी करें एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टिव सिटीजन इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। सारू, मुझे बताइए कि कई तारीख दानों का ये मानना है कि अगर हम सिर्फ इस खत्ते में, बर सग़ीर में या बिलखसूस सिंध की अगर बात करें, तो यहाँ पे ख्वाजा सराहों की एक 4000 साल पुरानी तारीख मौजूद है, और जितने प्रॉब्लम्स की आपने इस वक्त निशानदेही की है, इसको कई तारीख दान कॉलोनाइजेशन की बाकियात मानते हैं कि जब ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था ये हिस्सा, तो यकीनन उनके अपने कवानीन थे और इम्पीरियल लॉ के तहत ही ये एक तरह से डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई और उनको एक सब ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि उस वक्त कोई रिकग्निशन नहीं थी ट्रांसजेंडर्स की, इनफैक्ट उनको मर्द या औरत के तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? या दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर हम जो है ब्रिटिश रूल के से पहले की बात करें मुगल इराक की, तो जो इस तरह कम्युनिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था सोसाइटी, उस पूरा जो सिस्टम है उस फ्रेमवर्क में उनकी एक से थी, उनकी एक वैल्यू थी। तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडो पाक में आकर अपना जो है उसको रूल किया,
जी तो देन उन्होंने जो है स्टिग्मेटाइज कर दिया हाजिसरा कम्युनिटी को और एक हेट कैंपेन बना दी कि इस कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाए सोसाइटी से, जो कि आज तक वो पूरा जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें वो एक तासुब और एक मौजूद है। बिल्कुल, इसको हम लोग बहुत सालों से फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रीज में तो रियलाइज कर लिया कि देखें हमें हर कम्युनिटी को हर तबके को साथ लेके चलना है, और उन्होंने वहाँ पर अपना जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको जो है एम्पावर करने के लिए बहुत सारे लॉज बना दिए। लेकिन जो एंटी ट्रांस लॉ या एंटी ट्रांस मूवमेंट जो उन्होंने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में बनाई थी उसका इम्पैक्ट हम आज तक फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं सारू कि पूरी दुनिया ने बड़ा सराहा जब पाकिस्तान में इस हवाले से बाकायदा कानून साजी हुई और अक्सरियत की बिना पे इसको पास भी कराया गया। आज ट्रांसजेंडर एक्ट में दोबारा तब्दीली के लिए जो सियासी सरगर्मियां हम देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर इस इशू को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अनफॉर्चुनेटली हम हमारी सोसाइटी में कि हम लोग अपने पर्सनल एजेंडास के लिए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। जी एंड इट इज जस्ट लाइक टू सिक्योर द वोट बैंक। जब भी इलेक्शन आना लगते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जिससे वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सब किया जाता है। अगर एक जेनेरिक एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में दो जी, केपीके पर सबसे ज्यादा मर्डर्स हुए ट्रांसजेंडर्स के आज तक, ठीक है जी। और आप इस चीज को ट्रांस के परस्पेक्टिव में भी ना लें, आप इसको सिर्फ इंसानियत के परस्पेक्टिव में लें कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तब तो उनकी तरफ से कोई कंडेम नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। एंड तब तो मतलब अगर देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज का जो हम बात करते हैं तो वो तो हर जगह पर हर चीज़ में नहीं होनी चाहिए ना, हर गलत चीज़ पे बोलना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जब भी सोशल प्रेशर की को इंटीग्रेट करते हो या प्रोवोक करते हो तो दैट मीन्स कि आपके पास लॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं है एक सेनेट में या फिर जो है एक प्रॉपर वे में लॉजिकल डिबेट करने की। बिल्कुल सही। आने वाले दिनों में आप क्या देखती हैं इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है? देखिए हम लोग बात करते हैं, पहले एक टाइम था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिल्कुल शामिल ही नहीं किया जाता था किसी चीज़ में। फिर एक टाइम आया कि जब लोगों को लगा कि नहीं दिस इज समथिंग के जो एक जैसे कहते हैं ना फैशन में आ गया, ट्रेंड बन गया, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ टोकनिज्म भी यूज करना शुरू किया कि लाइक आपने सिर्फ दिखाने के लिए ट्रांस को बिठा लिया साथ, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना मीनिंगफुल एंगेजमेंट तो वो नहीं थी। देन क्या हुआ कि कम्युनिटी को रियलाइज हुआ आज इस तरह कम्युनिटी को कि हमें अपने लिए खुद काम करना है, और अब हम में ऐसे लोग हैं कि जो कि अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, अपने लिए खुद काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकते हैं। देन कम्युनिटी ने अपने लिए खुद काम करना शुरू किया। एंड देन हमने देखा कि स्पेशली जब जो लॉ के बाद एक चेंज आया और वो चेंज बहुत विजिबल है, लाइक पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर को भी देखा, हमने पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर को भी देखा, हमने ट्रांसजेंडर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मीडिया में, हर जगह पे देखा एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, बिल्कुल, जो कि क्लेमैन के लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो है इस कम्युनिटी को अगर बेहतरी चाहते हो तो तब तो आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको अपोज कर रहे हो तो आप वो लोग हो जो कि बहुत खुश थे जब तक हम लोग आपकी शादियों पे नाचते थे, तब तो आप लोग नहीं पूछते थे कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कौन असली है कौन नकली है, एक सर्टन रोल यानी समाज ने सोसाइटी ने असाइन कर दिया था। मुझे ये बताइए सारू, अगर आपने जैसे कहा कि आप ट्रांस कम्युनिटी की बात ना करें, इसको एक इंसानी हकूक़ के तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो 2015 में पाकिस्तान ने एपीएस के हौलनाक वाक़े के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसका एक कलीदी नुक्ता ये था कि नो हेट स्पीच यानी किसी भी किस्म की इश्तियाल और नफ़रत अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज भी जब हम देखते हैं कि ये अदराक करते हुए कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली शऊरी या लाशऊरी तौर पर अगर ट्रांस कम्युनिटी को नफ़रत का निशाना बनाया जाता है तो उस पर मीडिया और रियासत और सियासतदान क्यों नहीं आवाज़ उठाते आपके ख्याल में? देखिए सबसे पहले अगर हम मीडिया की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में येलो जर्नलिज्म चलता और कुछ जो है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी चीज़ों का सहारा लिया जाता है रेटिंग के लिए,
और जो है अगर सेकंड चीज ये है कि जो हेट क्राइम है या जो हेट स्पीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो हमारी जो कम्युनिटी है वो पहले एट रिस्क थी वायलेंस की, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के इंसिडेंट पहले ही बहुत ज्यादा था, वो मजीद बढ़ चुके हैं। सही अगर हम इन्हीं 2-4 दिन की बात करें तो सवाबी में एक ट्रांसजेंडर को गोली मार के मार दिया गया, पेशावर में 3 ट्रांसजेंडर्स पे अटैक किया गया, उनके पे जो है उनको जो है विक्टिमाइज किया गया, बिल्कुल लाहौर में जो है ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप किया गया। एंड इट्स लाइक एनी वन लाइक बहुत सारे, मतलब मैं अगर पर्सनल बात करूँ तो आई वन लाइक एक जो कहते हैं साइबर हरासमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बिल्कुल मतलब वो लोग भी जो कि एट सर्टन पॉइंट आपको जो है हरास कर रहे थे या आपको जो है मतलब कि जिसे कहते हैं कि टारगेट करना चाह रहे थे कि आप उनके साथ अनएथिकल रिलेशंस या अनएथिकल बिल्कुल। रिस्पॉन्ड अच्छा करो। सारू, हमारे पास वक्त कम है लेकिन आपने बहुत अहम मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ PhD। यकीनन तालीम हासिल करके, आला तालीम हासिल करके आप एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं, एक बहुत ही मजबूत और एक बड़ी पुरजोर आवाज़ बन सकती हैं ट्रांस कम्यूनिटी के लिए। इसी के साथ जी, नफ़रत अंगेज़ी की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और यकीनन जिन क्राइम्स का जिक्र किया जा रहा है उसकी भरपूर मजम्मत फ्राम द हाइस्ट ऑफिसर्स ऑन तमाम वो लोग जो अपने आप को कम्युनिटी लीडर्स कहते हैं, सियासी तौर पे रहनुमा कहते हैं हमारे, उनकी तरफ से भी आने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।